ठीक है, बहुत खा लिया, थोड़ा कुछ पी लेते हैं। ये है नॉक, जिसका फुल फॉर्म है नो कार्ब्स ड्रिंक का बेरी फ्लेवर, 110 रुपीस का है फॉर 250 ml। चलो तो मैं अपने से ग्लास में थोड़ा ले लिया है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये स्लाइटली पेल ब्लू कलर में आ रहा है और इसका स्मेल भी एग्जैक्टली बेरी जैसे है। भाई बहुत स्ट्रांग स्मेल। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। स्मेल तो बहुत अच्छा है। लेट्स गो एंड टेस्ट इट। या जिसको बेरी पसंद है, बहुत ही पसंद है, उसको पसंद आएगा। लेकिन ये स्ट्रांग है, कॉन्सेंट्रेटेड है यार, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत है। मुझे लगता है कि फ्लेवर अच्छा है, बट कुछ ज्यादा ही फ्लेवर है। हाँ, कुछ ज्यादा ही भरा है। अब रेडबुल जब पियोगे तो यू नो यू विल टेक 2-3 सिप्स टू यू नो गेट द टेस्ट। हाँ, लेकिन इसके फर्स्ट सिप में आपको सब पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसको इधर से भी अगर स्मेल करूँ तो इसकी बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही है मेरी की। आई थिंक मैं इसको पीऊंगा। आई वुड, पीने लायक तो है भाई, पीने लायक तो है। मैं इसको वापस ट्राई करना चाहूंगा। हाँ, सेम अलग फ्लेवर में भी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका मतलब एनर्जी ड्रिंक का इफेक्ट ज्यादा होगा आई थिंक, है ना? राइट। तो अगर नींद आ रही है ये पियोगे तो नींद जाएगी भाई, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। द ओनली डाउन साइड इज इसकी क्वांटिटी। तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गिव इट अ 8 आउट ऑफ 10। व्हाट्स योर रेटिंग? मैं इसको 8 ही दूंगा, 8 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। इफ यू लाइक बेरीज, अगर आपको जो पसंद है तो यू डेफिनेटली लाइक इट। ये तो ऐसा लग रहा है कि सोडा में बस कॉन्सेंट्रेटेड बेरी सिरप डाल दिया डायरेक्टली। थोड़ा लेस कार्बोनेटेड है। हाँ, जो इनका है ये, इनका नाम ही वही है। अभी देखते हैं पी के कितनी एनर्जी आई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। चलो लेट्स गो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट वी हैव वकाओ। वकाओ नहीं रे, वकाओ स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली मतलब बहुत खास फॉर अस, क्योंकि दिस इज अ गोवन ब्रांड एंड हम भी गोवंस हैं। तो इसका ऑफिस हमारे घर से 5 मिनट ही दूर है। बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज इज दे ट्राई टू मेक वीगन फूड। तो वीगन क्या होता है, बेसिकली द प्रोडक्ट इज वेज बट दे ट्राई टू एड अ नॉन वेज टेक्सचर टू इट। वीगन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। हाँ, हमारे पास है जैक बर्गर पैटी। हाँ, वैसे इसके बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारे पास बर्गर पैटी है यहाँ पे, दिस कॉस्ट 400 रुपीज़ है, इसके अंदर 4 पैटीज हैं। हाँ, तो मोटा मान लो कि 100 रुपीज़ इज पर पैटी। बाकी पैकेजिंग आई वुड लाइक टू से कि बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रीमियम फील देता है व्हेन यू होल्ड इट। एक्चुअली हैवी भी है, जैसा ध्रुव ने बताया कि 400 रुपीज़ फॉर 4 पैटीज थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट अदर्स कोई है ही नहीं। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ, और ये वेजिटेरियन है। राइट, तो एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सकता है टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। खोल के देखते हैं, खोल के देखते हैं। तो इन द बॉक्स हमें सबसे पहले ये मिल जाता है। व्हाट इज दिस? इट्स अ पैम्पलेट व्हिच टेल्स अस मोर अबाउट जैकफ्रूट। राइट, एंड मोर अबाउट वकाओ। हाँ, दिस इज अ रियली गुड स्टेप बाय वकाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज वीगन, व्हाट इज इट मेड ऑफ। और इनके बाकी प्रोडक्ट्स को भी दिखाओ जरा कैमरा। राइट, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। एंड यहाँ पे जैकफ्रूट ट्री और जैकफ्रूट जो फ्रूट होता है उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है। आई जनरली लाइक दीज थिंग्स। वो जो अल्पिनो का पीनट बटर था उसके भी स्टार्टिंग में ऊपर लिखा हुआ था ना, तो वो देख के जनरली कंज्यूमर को थोड़ा अच्छा लगता है। कि ये दूसरा पैम्पलेट है यहाँ पे, सो दिस बेसिकली डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक है कि थैंक यू लेटर दिया गया है बाय CEO साईराज धोंड, आपने देखा ही होगा। तो दिस इज व्हाट ही सेज कि होप यू एंजॉय द वर्कआउट एक्सपीरियंस। बॉक्स रियली मेक्स इट अपीलिंग एंड यू नो अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर। अगर यू नो आप सब ये सब दे रहे हो पैम्पलेट, ये इंस्ट्रक्शन इन दिस फॉर्म, वो भी कलरफुल, तो वो बहुत ही अच्छा बन जाता है फॉर द कंज्यूमर टू यू नो गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट। और अब इसमें 4 पैटीज दिए गए हैं, दिस इज 150 ग्राम ईच। इसको एक्चुअली कुक करना पड़ेगा, तो हम 2 पैटीज को कुक करते हैं एंड देन लेट्स ईट इट, लेट्स ट्राई इट एंड लेट्स गेट द वकाओ एक्सपीरियंस। सो वकाओ फाइनली हमारे टेबल पे है, ये 2 बर्गर पैटीज हमने कुक कर रखी है। तो आप देख सकते हो कि साइज इज रियली वेरी बिग फॉर अ नॉर्मल बर्गर पैटी। तो इसकी ये भी देखते हैं क्रंच। कि बहुत क्रिस्पी बना है। एक्चुअली ये बर्गर पैटी है बट हमने बर्गर बनाया नहीं, क्योंकि वी वांटेड टू हैव द रॉ टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। राइट, सो चलो फिर लेट्स ट्राई। चलो लेट्स गो। मैं तो रुका हूँ कि तुम बात करना बंद करो और मैं इसको ट्राई करूँ।
मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे दिखने में सिर्फ चिकन जैसा दिख रहा है, बट इज इट रियली टेस्टिंग लाइक चिकन और इज इट जस्ट द टेक्सचर दैट यू आर गेटिंग ऑफ चिकन? अगर मुझे नहीं बताया होता ना ये वीगन है, आई वुड डेफिनेटली थिंक इट्स चिकन. ओके, तो मतलब बढ़िया है. बट विद अ वेरी क्लियर माइंड आई टुक अ बाइट एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा व्यू बता देता हूँ कि इवन दो आई न्यू कि ये जैकफ्रूट है, मैंने जब ये फर्स्ट बाइट ले लिया तो आई गॉट द टेस्ट ऑफ अ जैकफ्रूट. मे बी बिकॉज आई ईट इट अ लॉट, मतलब आई एम प्योर वेज सो, बट ये इसका व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट है कि ही कुडंट फिगर इट आउट इफ इट वॉज चिकन या वेज. तो मतलब आई थॉट कि इट वॉज अ जैकफ्रूट ही. ईटिंग इट विद अ वेरी क्लियर माइंड, और तुम्हें डिफरेंस स्पॉट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. मुझे तो स्टॉप करने का मन ही नहीं हो रहा है भाई, ये तो पैटी के साथ मस्ट टेस्ट करेगा. चीज स्लाइस टमाटो वोमेटो डाल देंगे तो ओवरऑल 10 out of 10. हाँ, 10 out of 10 बहुत ही सही प्रोडक्ट है. और मेरे ख्याल से ये वर्थ भी है कंसीडरिंग द क्वांटिटी दैट दे हैव गिवन इन एवरी पैक. और ये जैकफ्रूट व्हिच इज एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो इसके लिए इसकी वजह से वो ऐसा टेक्सचर बन रहा है. बहुत सही प्रोडक्ट है, 10 out of 10 देंगे. मैं तो 10 out of 10 दूंगा. बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली पता चला कि ऐसे भी टेक्सचर होता है चिकन का. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तब तक हम लोग खत्म करते हैं भाई, ये तो रुक ही नहीं पा रहा, इसने आधा खत्म कर दिया. हाँ, आज के इस स्वीट से वीडियो को स्वीट नोटिस पे एंड करने के लिए वी हैव गेटअवे का आइसक्रीम टब. इसको सब दोगलापन है भाई. गेस करो इसका प्राइस कितना होगा. ना होगा 40 rupees 50 rupees. अमूल का कितने में आ जाता है? 30-35 में आ जाता. इसका है 135 rupees भाई. और इसको ये लोग 10 grams. इतना एक्सपेंसिव है क्यों ये? और इसको ये लोग टब बोलते हैं पहले तो. ठीक है, नो एडेड शुगर. वो तो ठीक है, बट वो तो सब क्लेम करते हैं. हाँ, सब ब्रांड्स क्लेम, लेकिन इसमें अलग है क्या वो देख. आपको क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. ये इतने तक भरा हुआ है. हाँ, ओके, ये इतने तक भरा हुआ है. इट्स नॉट इवन फुल. 125 ml है तो 135 rupees का तो नहीं है भाई. वे प्रोटीन का टेस्ट तो आ रहा है, लेकिन इसमें चॉकलेट का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है. एक चीज़ बता दूंगा कि 135 में ये मत खरीदो. हाँ, दिस इज नॉट एट ऑल वर्थ ₹135. इसके जगह 6 कौन खरीद लो अमूल के. अमूल का टेस्ट सिमिलर है, ये इसमें सिर्फ वे का फ्लेवर आ रहा है, तो वो अलग बात है. टेस्टी है, नॉट गोना लाइक, इट्स टेस्टी, बट जस्ट दैट इट्स नॉट वर्थ द प्राइस. वर्थ द प्राइस नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो आप देख रहे हो. तो ओवरऑल मेरी तरफ से 6 out of 10 और 5 out of 10. ओके, सो वी हैव ट्राइड ऑल द प्रोडक्ट्स. जो हमारे पास 8 डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स थे, हमने सबके सब ट्राई कर लिए एंड हम कुछ कंक्लूजन डिराइव करना चाहेंगे जो यू नो वी एक्सपीरियंसड एज वी आर ट्राइंग द प्रोडक्ट्स. तो हमने ये रियलाइज किया कि जो भी कोल्ड स्टोरेज वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे स्किपी हो गया, फिर वो गेट अवे की आइसक्रीम हो गई, जो टाइम पीरियड होता है ना फॉर विच आफ्टर टेकिंग इट आउट ऑफ फ्रीजर वो फ्रेश रहे, लाइक सॉलिड फ्रीज फॉर यू नो 15 मिनट या 20 मिनट तो रहे ही रहे. बट समवेयर वी डिडंट फाइंड दैट हैपनिंग हियर विद आवर विद द प्रोडक्ट्स दैट वी ब्रॉट, स्पेशली आई'ड से गेट अवे और स्किपी जो तुमने बोला. तो वो बहुत ही फास्ट मेल्ट हो गए. साथ ने भी एक क्वेश्चन पूछा था. हाँ, और हाँ ये एक पॉइंट है. तो दूसरा पॉइंट व्हाट आई फेल्ट इज दैट नमकीन ब्रांड्स जैसे कि टैग्स, केरला के बनाना चिप्स, एक्स्ट्रा, अगर आप इनमें क्वांटिटी बढ़ा देते तो आई थिंक इट वुड बी अ मच बेटर थिंग टू बी डन, बिकॉज वॉट पीपल प्रेफर इन नमकीन ब्रांड्स की उनको क्वान्टिटी ज़्यादा मिले. राइट, थोड़ा अगर आप क्वान्टिटी बढ़ा देते तो वुड बी वे बेटर, क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा है. टेस्ट में आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट क्वान्टिटी में किया है. तो इफ आई आस्क्ड यू कि तुम्हारे टॉप 3 फेवरेट कौन से प्रोडक्ट्स थे आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, तो तुम क्या कहोगे? मेरा फर्स्ट तो वकावी रहेगा, बिकॉज उसका सब कुछ अच्छा था, क्वान्टिटी, प्राइस, अग्री, सब पैकेजिंग, सब कुछ अच्छा था. सेकेंड पे आई कीप केरला के बनाना चिप्स, क्योंकि देयर पैकेजिंग वॉज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब वो येल्लो पैकेट में, यू नो येल्लो इज वेरी अट्रैक्टिव कलर, तो दे आर स्लाइसिंग वॉज रियली ग्रेट, बहुत ही फाइन स्लाइसिंग थी उनकी, विच मेक्स दैट मोर क्रिस्पियर देन नॉर्मल बनाना चिप्स. एंड थर्ड पे आई लाइक टू कीप स्किपी. टेस्ट वाइज में अच्छा है, बट ओनली थिंग इज दैट यू नो प्राइस पॉइंट में थोड़ा हाई है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ गिविंग इट अ ट्राई. तुम्हारे टॉप 3 क्या है? फर्स्ट तो वकावी है, उसको पूछो मैं बिहाइंड द स्क्रीन भी इसी में सब खत्म कर दिया. मैं अपना खत्म कर दिया ऑलमोस्ट पार्टी, मैं बीच बीच में उसको खाता रहता था. और सेकेंड मेरा भी वही है, बनाना चिप्स. वो मुझे पीरी पीरी फ्लेवर अच्छा लगा, स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिला
टेस्ट, लेकिन आफ्टर सम चिप्स मुझे वो आने लगा पेरी पेरी का, उन्होंने अच्छे से मिक्स नहीं किया हुआ शायद. थर्ड पे मुझे लेट्स ट्राई का जो पोटैटो वेफर्स है, आई लाइक इट अलॉट. क्वांटिटी भी मतलब ठीक ठाक थी, प्राइस पॉइंट भी अच्छा था. एंड आई एम कन्फ्यूज बिटवीन अल्पाइनो का पीनट बटर, जो वो अनस्वीटन था इसलिए उसको मैं फोर्थ डालूंगा, लेकिन अगर वो स्वीटन्ड होता तो वो डेफिनेटली थर्ड पे होता, क्योंकि वो बहुत क्रंची था. आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इतना क्रंची हो, तो आई थिंक अगर वो उस ब्रेड के साथ खाओगे तो इट विल डेफिनेटली टेस्ट सुपर. बट व्हाट यू शुड डेफिनेटली गो आउट एंड ट्राई, मतलब इट्स वर्थ स्पेंडिंग, इज वकाव स्किपी आइस पॉप्स एंड केरला बनाना चिप्स. ये तीन जो है दिस इज रियली हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज. तो अगर इफ इट्स देयर नियर योर स्टोर्स नियर बाय तो जस्ट गो एंड पिक इट अप टुडे इटसेल्फ. अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आपने भी ट्राई किए ना, तो आप उनका भी रिव्यू और आपको जैसे एक्सपीरियंस हुआ वो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चले, क्योंकि हमारा ओपिनियन इज नॉट इनफ to give justice to any product. और अगर आपने और कोई product try किया है तो even you can make a review video or even you can comment down below so that हम भी देख सकें जो यहाँ पे products नहीं मिलते, क्योंकि eventually it will be pan India. But थोड़े और प्रोडक्ट्स थे जैसे जैन चिकन जी हम नहीं ट्राई कर पाए, हाँ अवेलेबल नहीं था. तो मामाज मोमो कुछ खाना, वो एक मोमोज का, हाँ और एक कोम्बुचा का भी प्रोडक्ट था एक, करेक्ट वो भी नहीं कर पाए. इन अ कैन भी था, हाँ राइट राइट. बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, ये तो सिर्फ आर्ट प्रोडक्ट्स है. तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. मैंने आदित्य के सारे सोशल, तो इसका इंस्टाग्राम और उसका यूट्यूब चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखा है, उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना. ये अभी से यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा. बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, क्योंकि हमको सारे प्रोडक्ट समेटने थे. जितना हो सका हमने वो अच्छे से किया. लाइक सब्सक्राइब और क्या, शेयर कर देना ये वीडियो. और see you guys in my next one. Peace. Bye bye. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a